जिनका चैनल अभी अभी मोनेटाइज्ड हुआ है और उनके चैनल के वीडियो पर येलो डॉलर ग्रीन डॉलर से येलो डॉलर मतलब कन्वर्ट हो गया, तो उनका एक ही सवाल आ रहा है, क्या जो मेरा मोनेटाइजेशन, मेरे चैनल का जो मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ है, क्या वो फिर से डिसेबल हो जाएगा या फिर क्या मतलब कुछ होगा येलो डॉलर के कारण, बस इसी के बारे में जानेंगे। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो येलो डॉलर है आपके मोनेटाइजेशन इनेबल्ड होने के बाद, अगर आपके वीडियोस पर कहीं कहीं कोई वीडियो पर येलो डॉलर आ जाती, ग्रीन डॉलर से येलो डॉलर में कन्वर्ट हो जाती है आपकी वीडियो का जो डॉलर है मोनेटाइजेशन इनेबल करने के बाद, एंड अगर होता है कि आपके साथ मतलब सभी वीडियो में लगातार आपके मतलब येलो डॉलर बन रहा है, तो क्या इसका रीजन है और किसके कारण से ये येलो डॉलर बन रहा है और क्या मतलब सच में क्या मोनेटाइजेशन है वो इनेबल मतलब डिसेबल्ड हो जाएगा, बस इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज को भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अगर आपका ग्रीन डॉलर से येलो डॉलर में आपकी जो वीडियो का मोनेटाइजेशन जब आप इनेबल्ड करते हो, तो आपका जो डॉलर है वीडियो का डॉलर वो अगर येलो डॉलर सॉरी जो ग्रीन डॉलर है उससे अगर कन्वर्ट होकर येलो डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, इसमें कन्फर्मली मतलब कन्फर्म है कि आपका जो वीडियो का एड है अगर ग्रीन डॉलर रहेगा तो आपकी वीडियो में एड्स ज्यादा रन होगी, और अगर ग्रीन डॉलर से अगर येलो डॉलर में आपकी वीडियो का मोनेटाइजेशन का जो डॉलर है वो अगर चेंज हो जाता है तो आपकी वीडियो में जो एड है वो ना के बराबर रन होगी। ये येलो डॉलर किसके कारण से आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आता है अगर अनरीचेबल, अगर आपने YouTube के खिलाफ कोई वीडियो को अपलोड किया अपने YouTube चैनल पर, हो सकता है जैसे 18 प्लस से हो गया, अडल्ट मतलब टाइप का हो गया, मतलब इस टाइप का तंबाकू से रिलेटेड, स्मोकिंग से रिलेटेड, अदरवाइज कोई भी ड्रिंकिंग से रिलेटेड, अगर मतलब कुछ भी हो गया इससे रिलेटेड, अगर आपने वीडियो को क्रिएट किया अनरीचेबल वीडियो को और आपने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया, तो हो सकता है कि मतलब आपका जितना भी अगर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल्ड हो गया तो आपने सबका सभी वीडियो का मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल्ड कर दिया और आपका ग्रीन डॉलर बन रहा था, लेकिन कुछ मतलब दिन हुआ या फिर कुछ घंटे हुआ उसके बाद आपका सभी वीडियो पर येलो डॉलर बनना शुरू हो गया। तो ये क्या होता है कि आपका अनरीचेबल कंटेंट रहने से ऐसे आपका ग्रीन डॉलर से येलो डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है आपकी वीडियो का डॉलर। घबराने की कोई बात नहीं, आपका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल्ड नहीं होगा एंड बढ़िया तरीके से आपका जो चैनल है अगर बार बार सभी वीडियो में ऐसे आ रहा है, और फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर मतलब दो तीन घंटे में आ गया है अगर ग्रीन डॉलर से येलो डॉलर में कन्वर्ट हो गया आपकी वीडियो का डॉलर, तो मतलब अगर आपका मतलब यूट्यूब से रिलेटेड आपकी जो कंटेंट है, अगर यूट्यूब से रिलेटेड आप कंटेंट देते हो तो 24 घंटा में फिर से वो येलो डॉलर ग्रीन डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है और कुछ भी नहीं करें, आपकी वीडियो को डिलीट भी नहीं करें, कुछ भी ना करें, ठीक है, इससे कोई मतलब कोई भी रिलेटेड नहीं है यूट्यूब मोनेटाइजेशन का, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला, आप बढ़िया तरीके से आप मतलब जैसे वीडियो बनाते हो उससे हट के वीडियो बनाओ, मतलब जैसे तंबाकू से रिलेटेड, अडल्ट से रिलेटेड ऐसे इस टाइप का वीडियो ना अपलोड करें, तो ही आपका जो है आप बढ़िया तरीके से अर्निंग कर पाओगे मोनेटाइजेशन इनेबल्ड होने के बाद। तो फ्रेंड्स यही थी कुछ जानकारी, अगर ये छोटी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज को भी इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को बनाते रहता हूं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।